एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी तीन पत्ती बैटरी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी काफ़ी देर से इस टाइप का एरर आ रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम को फिक्स करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप से बाहर चले जाना है, उसके बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर देना। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐप पर क्लिक करके ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐप पर क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर पर क्लिक करना है, बैक चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको परमिशन दे देना है सभी को, बैक चले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ऐप को ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।